नाजरीन, समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची से 500 किलोमीटर तक दूर पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान ओमाड़ा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान समंदर ही में कमज़ोर पड़ जाने की तवक्को है। इस तूफान के जरिए असर आज शाम तक वक्फे से उमाड़ा और पसनी, गवादर, च्यानी और तरबत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची में से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान और मारा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदरी तूफान ओमाड़ा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान समंदर ही में कमज़ोर पड़ जाने की तवक्को है। इस तूफान के जरिए असर आज शाम तक वक्फे से ओमाड़ा और पसनी, गवादर, च्यानी और तरबत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची में से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान और मारा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदरी तूफान ओमाड़ा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान समंदर ही में कमज़ोर पड़ जाने की तवक्को है। इस तूफान के जरिए असर आज शाम तक वक्फे से ओमाड़ा और पसनी, गवादर, च्यानी और तरबत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची में से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान और मारा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समंदरी तूफान ओमाड़ा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। जनूब मशरक में मौजूद समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि तूफान समंदर ही में कमज़ोर पड़ जाने की तवक्को है। इस तूफान के जरिए असर आज शाम तक वक्फे से ओमाड़ा और पसनी, गवादर, च्यानी और तरबत में गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची में से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान और मारा के जनूब मगरिब से 350 किलोमीटर और गवादर के जनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है।